अभिनेता संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी ने पति के मर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत भी मांगी है। मुख्तार अंसारी के राइट हैंड संजीव जीवा की लखनऊ की कोर्ट में गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी हत्या के तार पूर्वांचल के बाहुबली के साथ जुड़े जा रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष सुधीर सिंह जी हैं। सुधीर जी, पूर्वांचल के बाहुबली का नाम जो आ रहा है सामने, देखिए इस हत्या के पीछे कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि 20-22 साल का लड़का अगर गोली चलाता है तो उसका कोई मकसद तो होगा नहीं। कोई ना कोई ऐसा बड़ा माफिया, कोई बड़ा ऐसा अपराधी होगा जिसके काम में जीवा को अड़चन आती होगी। बालू का काम है, कोयले का काम है, तमाम ऐसे माफियाओं के काम है जिसमें वर्चस्व की लड़ाई होती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा कोई मामला होगा जिसमें किसी माफिया को दिख। आपको बता दें कि संजीव जीवा का नाम भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी जुड़ा था, और दावा किया जाता है कि उस दौर में जीवा ने AK-47 से कार के बोनट पर चढ़कर गोलियां बरसाई थी। हालांकि जीवा शूटआउट के बाद कृष्णानंद राय के परिवार का कहना है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। लगातार देखिए इस पूरे मामले पर बयानबाजी का दौर भी अब जारी है। देखिए मेरा मानना है कि संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा जैसे कुख्यात अपराधी का अंजाम यही होना था। जब आप सैकड़ों घरों को बेघर कर देंगे, मुझ जैसे लड़कों को अनाथ करेंगे, तो कोई ना कोई आपका भी दुश्मन होगा। उसने अपनी दुश्मनी निकाली, और मेरा मानना है कि चाहे न्यायालय का मंदिर हो चाहे भगवान का मंदिर हो, वहाँ देर भले ही है, अंधेर नहीं है। तो कल न्यायालय में भगवान के दरबार में से फैसला हुआ और ये कृत हुआ है। महाराज जी के जीरो टॉलरेंस नीति में कहते आज आप लोग देख ही रहे हैं कि मुख्तार को भी उम्र कैद की सजा हो गई है, और जितने भी गुंडे बदमाश है ये तो जेल में है या तो ऊपर है। देखा आपने किस तरीके से बयानों का दौर लगातार जारी है। कृष्णानंद राय के बेटे को भी आपने सुना, उनका कहना है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अब देखिए चार के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी, दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में चार अहम खबर। यूपी के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां आगे बढ़ाने का फैसला, 11 दिन के लिए बढ़ाई गई गर्मियों की छुट्टियां, 26 जून 2023 तक बंद रहेंगे सरकारी स्कूल, पहले 15 जून तक ही थी गर्मियों की छुट्टियां। सुल्तानपुर में सपा के सेक्टर बूथ प्रभारियों की हुई मीटिंग, सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सार्जनी की बैठक की अध्यक्षता, बैठक में अपराध समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। यूपी कांग्रेस कमेटी पर्दाफाश अभियान की करेगी शुरुआत, भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर पर्दाफाश अभियान, जल्द कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांटा जाएगा पार्टी साहित्य। कानपुर दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की, उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्माण भवन का लोकार्पण किया, उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। और अब चार के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं, दूसरे मोर्चे की खबरों पर। जीवा हत्याकांड पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत तेज हो गई है। कल भी आपने देखा अखिलेश यादव ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ साथ देखिए जीवा शूटआउट में एक बच्ची समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनसे सीएम योगी ने मुलाकात की है और बेहतर इलाज के निर्देश भी अस्पताल प्रबंधन को दे दिए गए हैं। इसके अलावा बात होगी जीवा हत्याकांड के बाद सुरक्षा पर सवाल की, इसे देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट जारी है, तमाम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।